A1 India Homes and Township Private Limited's DTCP and RERA approved venture Khutub Valley on Kothur Road with state-of-the-art amenities. एयरपोर्ट से सिर्फ 22 मिनट की दूरी पर और कई नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के करीब है। जेपी दरगाह का मार्केट खत्म होते ही ये वेंचर खुतुब वैली है। एंड द बेस्ट थिंग इस वेंचर का रेट सिर्फ 10,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। ईएमआई फैसिलिटी भी दे रहे हैं 24 महीने की, वो भी 0% इंटरेस्ट पर। साइट विजिट के लिए डीएम करिए। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों क्रिकेटर मोहम्मद सिराज, बॉक्सर निखत जरीन और शूटर आयशा सिंह को हैदराबाद में फी कस 600 गज मकान की जमीन देने का फैसला किया और मोहम्मद सिराज और निखत जरीन को ग्रुप वन की मुलाजमत देने का भी कैबिना ने मंजूरी दी है। इन दोनों को DSP की मुलाजमत दी जाएगी। तेलंगाना की कैबिना में नए राशन कार्ड की इजराई को मंजूरी दे दी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क्यादत में मुनक़िदा कैबिना के इजलास में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिना ने नए राशन कार्ड जारी करने के तरीक़ेकार को वाजे करने के लिए वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में कैबिना की जेले कमेटी तश्कील देने का फैसला किया। राशन कार्ड और आरोग्य श्री कार्ड को अलग अलग जारी करने का फैसला किया गया। कैबिना ने GHMC में बैरूनी देहातियों के ज्वाइनिंग के लिए कैबिना की जेले कमेटी की तश्कील को भी मंजूरी दी। चारमीनार जोन के तहत मलकपेट सर्कल के GHMC के अहदेदारों ने मुसरम बाग से दिलसुख नगर तक सर्विस रोड पर स्ट्रीट वेंडर्स और गैर हाजिर स्ट्रीट वेंडर के जरिए गैर कानूनी तौर पर बनाए गए शीट्स और स्टॉलों को खत्म कर दिया। सुबह 8 बजे तक ज्यादातर दुकानदार अभी तक अपने काम की जगह पर नहीं पहुंचे थे जब इसे खत्म करना शुरू किया गया। ये सिर्फ मिसमार करने की मुहिम नहीं थी बल्कि GHMC कमिश्नर के अमरापल्ली के इलाके के दौरे के मौके पर सफाई मुहिम भी थी। सिटी पुलिस ने जुलाई के महीने में ऑपरेशन मुस्कान के तहत तकरीबन 1,175 बच्चों को बाजियाब कराया जिन्हें गैर कानूनी तौर पर काम पर रखा गया था। हैदराबाद शहर में टीमों ने 524 बच्चों को बचाया जिनमें से 481 लड़के और 43 लड़कियां शामिल हैं। इनमें से 317 बच्चे तेलंगाना के हैं जबकि 207 दीगर रियासतों के हैं। हैदराबाद पुलिस ने लेबर ऑफिसरान और NGOs की शिकायत का जवाब देते हुए बच्चों को काम पर रखने वाले एम्प्लॉयज के खिलाफ 20 मुजरिमाना मुकदमा दर्ज किए हैं। साइबराबाद पुलिस ने गुज़िश्ता माह मेल्लारदेपल्ली में भारतीय ट्रेडर्स पे होने वाली डकैती को हल किया और जुमेरात को इस केस के सिलसिले में 4 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 16 लाख रुपए की नकदी, 4 मोबाइल फोन, 1 कार और 1 बाइक बरामद किए। गिरफ्तार अफराद में शेख मोहम्मद अकील, शेख अदनान और मोहम्मद सैफ शामिल है जो सभी राजेंद्र नगर के मेल्लारदेपल्ली के रहने वाले है और सैयद मोहसिन फलकनुमा के रहने वाले बताए गए। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्वे के हिस्से के तौर पर हैदराबाद डिजिटल डोर नंबरिंग को नाफिज करने के लिए तैयार है। रिहायश गाहों को वेदर प्रूफ प्लेटों पर डिजिटल डोर नंबर मिलेंगे जिसमें आसान रसाई के लिए एक नंबर और एक QR कोड होगा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर अमरापल्ली ने जुमेरात 21 अगस्त को हैदराबाद में मॉल्स और मल्टीप्लेक्स को खबरदार किया है कि वो खरीदारी की रसीद पेश करने पर पार्किंग फीस वसूल करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। कमिश्नर ने इस बात पर रोशनी डाली कि इदारों से कवायद व जाब्तों की खिलाफ वर्जी करते हुए पार्किंग फीस वसूल करने की शिकायत मौसूल हुई है। खसूसी मुआयना करने वाली टीमों ने दरियाफ्त किया है कि कुछ मॉल्स पार्किंग के लिए चार्ज कर रहे हैं। इस उसूल के बावजूद कि अगर कोई सारिफ खरीदारी की रसीद पेश करते हैं तो पार्किंग पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के अहलकारों ने जुमेरात को अमीनपुर में तहसीलदार के दफ्तर में एक धरानी ऑपरेटर और एक जूनियर असिस्टेंट को मुबैना तौर पर एक शख्स से 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। सरकारी स्कूलों का नुकसान प्राइवेट स्कूलों का फायदा बन रहा है। मुतालिका ट्रेंड में सरकारी स्कूलों में दाखिलों की बड़ी कमी देखी गई जबकि प्राइवेट स्कूल ने रियासत में इसी तरह इजाफा दर्ज किया है। रियासती हुकूमत के जारी करदा इदाद व शुमार के मुताबिक सरकारी स्कूलों में दाखिलों में हैरत अंगेज तौर पर 4.45 लाख की कमी, पिछले 3 तालीमी सालों में निजी स्कूलों में 5.37 लाख नए दाखिलों के इजाफे के बरअक्स है। अपने बेटे की पढ़ाई में लापरवाही से परेशान होकर एक बाप ने 8 साल लड़के को एक बैग में बांधकर जिला के कोल्हापुर में एक झील में फेंक दिया। खुशकिस्मती ये है कि मुकामी लोगों ने उस बच्चे को बचा लिया। इत्तला के मुताबिक बाप ने लड़के को मारने के बाद इसके हाथ और पैर रस्सी से बांधे और बारूद के बैग में बांध कर इसे बैग को ऑटो रिक्शा में शहर के मुजाफात में लाकर झील में फेंक दिया।
कांग्रेस पार्टी की जानिब से आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से की जा रही है। इस जिमन में पार्टी ने 4 रियासतों हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्क्रीनिंग कमेटियां तश्कील दी है। अजय माकन जो हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए कमेटी के चेयरमैन बनाए गए, हरियाणा के लिए तश्कील दी गई कमेटी में अजय के अलावा मानिकम टैगोर, जगदीश और श्रीनिवास को अरकान की हैसियत से शामिल किया गया। झारखंड में बीजेपी के 18 अरकान असेंबली को 2 अगस्त को 2 बजे दिन तक असेंबली से मुअत्तल कर दिया गया, जिन्होंने आज ऐवान में हंगामा आराही की। ये अरकान असेंबली गुज़िश्ता रोज मार्शलों के जरिए अपोजिशन अरकान को बाहर निकाले जाने और चीफ मिनिस्टर हेमंत की जानिब से इनके सवालात का जवाब देने से इनकार पर एहतजाज कर रहे थे। मार्शलों ने आज जाफरानी जमात के 18 अरकान असेंबली को बाहर निकाला, क्योंकि मुअत्तल किए जाने के बावजूद इन्होंने ऐवान से बाहर जाने से इनकार कर दिया था। सऊदी अरब को हर साल हज सीजन में गैर कानूनी हुजाज का मसला दरपेश होता है, जिससे निपटने के लिए एक तजवीज़ ज़ेरे गौर है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी वज़रात हज व उमरा गैर कानूनी हुजाज की मशायर मुकद्दसा में आमद को रोकने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर मुबनी प्रोग्राम नाफिज करने पर गौर कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी हुजाज को रोकने और हुजाज की तादाद को कंट्रोल व नज्म करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए इन मारूफ कंपनी की खिदमत हासिल की जाएगी, जो आज़मीन हज के ममालिकत पहुँचते इनकी शिनाख्त और डेटा महफूज करने के साथ इनके रिहाइश और दीगर अमवार की भी मालूमात अपडेट रखने की अहलियत रखती है। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए स्मार्ट कैमरों के जरिए हुज्जाज की नकलो हरकत और इनके बारे में मुकम्मल मालूमात महफूज की जाएगी। इस्माइल हानिया के कमरे में पहले से ही बम नस्ब था, अमेरिकी अखबारात का दावा। ख्याल रहे कि इस्माइल हानिया ईरानी सदर के तकारीब हल्फ बरादरी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे, जहां इनकी क़यामगाह पर हमला करके इन्हें शहीद कर दिया गया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में जिस कमरे में इस्माइल हानिया मौजूद थे, वहां बम पहले से ही नस्ब किया हुआ था और रिमोट कंट्रोल से धमाका किया गया। तेहरान में हमास के अहम रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल और ईरानी फौजी जनरल के कत्ल के बाद इसराइल ने नया दावा करके दुनिया को चौंका दिया है। इसराइल फौज ने जुमेरात को कहा है कि इसने हमास के अहम फौजी कमांडर मोहम्मद दाइफ को हलाक कर दिया है। यह हमला 13 जुलाई को गजा के खान यूनुस में किया गया। इसराइल ने इससे पहले भी कई बार दाइफ को मारने की कोशिश की है, लेकिन हर बार वो बच गए थे। इसराइल ने हमास के अस्करी विंग के रहनुमा मोहम्मद दाइफ की गजा में एक हमले में हलाकत की तस्दीक कर दी है। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुठकरनी, सौतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गणाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।